हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का ये वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम छठवां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने तीसरे से पांचवा क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम तीसरा छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का। चलिए हल करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1.3 का छठवां क्वेश्चन दिया है, पी बटे क्यू ब्रेकेट में है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका सांद्र दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? चलिए दोस्तों देखते हैं छठवां क्वेश्चन। दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, हमने उदाहरण ले लिया 3/5, तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे, 5 बाहर करेंगे 3 अंदर, तो दशमलव बढ़ा का 0 तो 5 6 30, तो इसका मान कितना आ गया 0.6 7/8। ये भी शांत है, शेषफल जिसका 0 आ जाए वो कौन सा दशमलव होता है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, शांत। तो इसको हम करेंगे 7/8 है, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो होगा 0 7, तो पॉइंट पुट लगाएंगे, 10 0 बनाएंगे तो 8 9 64, 8 9 72 ज़्यादा हो गया, 8 9 64, 10 में से 4 गए 6, तो इसमें 0 बनाएंगे तो 8 7 56, 8 9 64 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40, इसका भी शेषफल 0 आ गया, ये भी शांत है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पी बटे के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण 3/5 हो गया, इसका मान आ गया 0.6, ये भी शांत हो गया। ये 7/8 इसका मान आ गया, ये उदाहरण 0.875, उसके बाद 9/10 का मान आ गया 0.9, 21/25 का आएगा 0.84। तो क्या करना है, दिया है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? देखिए दोस्तों, कैसे अगर कोई संख्या होगी क्यू, क्यू वाली संख्या कौन होती है, नीचे वाली क्या होती है, क्यू, तो क्यू बराबर 5 दिया है, जहाँ 2 और 5, 2 और 5 आए तो हमारे शांत गुणनखंड शांत दशमलव प्रसार होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे यहाँ 5 दिया है तो 5 क्या होता है, दशमलव प्रसार। अगर 7/8 दिया है तो इसको कर सकते हैं 2 × 2 × 2, इसमें क्या आ गया 2, अब 10 है तो इसमें 5 × 2 × 5, अगर 2 और 5 आएगा केवल, तब भी हमारे क्यू बराबर, तो हमारे क्या होंगे, शांत दशमलव। अब 25 में 5 × 5, इसमें भी 5 आ गया, इसलिए 2 और 5। दोस्तों अगर किसी भी परिमेय संख्या में हमको शांत या अशांत पता करना है तो कुछ करना नहीं, ज़्यादा बस सिर्फ 2 और 5 आ जाए तो हमारे क्या होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। जैसे कोई संख्या है, दिया है 2/5, तो यहाँ 2/5, 5 आ गया तो ये शांत होगा। देखिए कैसे, 5 इधर करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 लगेंगे, 5 चौक 20। अगर दिया होगा, अगर 2/ मान लो दिया होगा 8, तो ये भी हम बता सकते हैं कौन सा के शांत दशमलव होगा, क्योंकि 8 आया, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 आ जाए क्यू बराबर, तो वो हमारा कौन सा दशमलव प्रसार, शांत होगा। इसी प्रकार से पता करेंगे, 8 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 2 16, 10 में से 6 गए 4, तो 0 इधर 0 लगाएंगे, 8 5 40। इसी तरह हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर 2 और Q = 2 और 5 रहेगा तो हमारे क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार होंगे।
दोस्तों प्रश्नवाली 1.3 का सातवां क्वेश्चन दिया है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अनवसानी आवर्ती क्यों क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम भाग दें किसी भी परिमेय संख्या में, अगर शेषफल जीरो ना आ जाए, बार बार वही संख्या भागफल रिपीट होता रहे, तो होते हैं हमारे अनुस्वानी अनवसानी आवर्ती। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ उदाहरण। तो दोस्तों जो अनवसानी आवर्ती होती हैं क्या होती हैं, अशांत दशमलव, अर्थात वह हमारा भागफल हमेशा रिपीट होते रहते हैं, अर्थात बार बार रिपीट होते रहते हैं। लिख सकते हैं जल, लिख सकते हैं दो, फिर लिख सकते हैं, तो अनवसानी आवर्ती लिखेंगे 0.01, फिर लिख सकते हैं 001, फिर लिख सकते हैं 0001, फिर लिख सकते हैं 401, फिर लिख सकते हैं 501, उसके बाद ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, क्योंकि भागफल हमेशा अनवसानी आवर्ती में, अर्थात अशांत दशमलव क्या होते हैं, भागफल हमेशा रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं इसको 0.16, फिर लिखते हैं 0.00, फिर लिख सकते हैं 0.000, फिर लिख सकते हैं 4.00, लिख सकते हैं 5.00। इसी प्रकार से हमारे भागफल क्या होते रहते हैं, रिपीट, तो क्या होते हैं हमारे अनावसानी आवर्ती। कोई ज़रूरी नहीं आप 0.016 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं हम 0.19, फिर लिख सकते हैं 0.019, फिर लिख सकते हैं 0.019, फिर लिख सकते हैं 4.019, फिर लिख सकते हैं 5.019, फिर ऐसे अनंत तक हमारे क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो कौन सी हमारे प्रसार होते हैं, अनावसानी आवर्ती। तो तीन उदाहरण हो गए दोस्तों। 1.3 का प्रश्नवाली 1.3 का आठवां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे, 7 बाहर करेंगे 5 अंदर, तो 7 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा कर 0 बुलाएंगे, तो 7 × 7 = 49, तो 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ 0 बुलाएंगे 7 × 7, तो 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, फिर 0 लगाएंगे 7 × 4 = 28, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ 0 लगेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 10 में से 4 गए 6 बना 1, तो फिर क्या हम 0 लगाएंगे, तो 7 × 7 = 48 = 56, 7 × 8 = 56, तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4 बना 5 में 5 गए 0, तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे हम, 7 × 5 = 35, 7 × 12 = 12 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, तो 10 में से 5 गए 5, ये हमारी संख्या फिर वही रिपीट होती चली जाएगी, तो इसलिए इसका मान आएगा 5/7 का मान आएगा 7 × 1 = 4285, तो दोस्तों इसका मान आएगा इतना कर देंगे हम 0, तो 5/7 का मान आएगा, 5/7 का मान आ गया 0.7142885। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे, तो सबसे आसान तरीका क्या, हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था 1/11 का प्रसार कित दशमलव प्रसार कितना होता है 0.9 बार, तो बस केवल क्या करना है 9/11 को हम कर देंगे 0.9 गुणे
9 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 9 81.0 बार, यहाँ बार लगा था तो यहाँ बार लग जाएगा। तो 9/11 का दशमलव प्रसार आ गया 0.81। तो क्या करना है, करना है बीच की तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं बताइए। सबसे पहले इसमें देखते हैं 71, इसमें देखते हैं 81। तो 71 और 81 के बीच में आप परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 71 के बाद लिख सकते हैं 72 10, फिर 72 20, 72 30, 72 40, 72 50, ऐसे हमारे फिर 72 ऐसे 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 असंख्य तक चले जाएंगे। उसके बाद ये पहला उदाहरण हो गया, उसके बाद फिर 72 80 71 और 81 के बीच में आ गई। उसके बाद फिर लिख सकते हैं हम 73 भी लिख सकते हैं, 73 10, 73 20, 73 30, 73 40, 73 असंख्य तक हम लिख सकते चले जा, लिखते हुए हम चले जा सकते हैं, असंख्य तक लिख सकते हैं अनंत तक। उसके बाद एक उदाहरण और ले सकते हैं, अब दोस्तों लिख सकते हैं तीसरा उदाहरण 80, फिर लिख सकते हैं 00, फिर 000, फिर 40, फिर ऐसे हम लिखते चले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों उदाहरण हो गए, ये हमारे बीच की संख्याएं आ गई 5/7 और 9/11 की, इतने हमारे असंख्य तक जाएंगी। तो ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का 9वां क्वेश्चन है, दिया है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, जो P/Q के रूप में ना लिखे जा सके वे अपरिमेय होती हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, √23 का मान होगा 1.7321, लिमिट नहीं है, अर्थात क्या होगी हमारी संख्याएं, तो √23 क्या होगा अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि 23 की जब परिमेय संख्या निकालेंगे रूट हटाएंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा दिया है √225, अब 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे इसका वर्गमूल होता है 15, तो जब 15/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है परिमेय, दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तो दोस्तों तीसरा है 0.3796, वो भी बार नहीं लगा, कौन संख्या होंगे परिमेय, शांत और अशांत दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या। उसके बाद पहला दूसरा तीसरा और चौथा देखते हैं, चौथा दिया 7.47848, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 7.478, तो इसका बार हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो होगा परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया है 1.10, फिर 100, 130, 140, उसके बाद अनंत तक दिया है, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो होगा अपरिमेय संख्या। ये सारे हो गए हमारे साल सेवा क्वेश्चन। प्रश्नवाली 1.3 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।